कोई मन की बात आई, कोई कहती है उसके लिए यात्रा दी है। आप रक्षा मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं साथियों। बहनों भाइयों, यहाँ के प्रबंधक जी ने, बीएन सिंह जी ने मुझे चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया है। मैं इस चांदी के मुकुट को बीएन सिंह जी को ही इसको स्वीकार करते हुए उनको बीएन सिंह जी को वापस करता हूँ। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद किसी गरीब परिवार की लड़की शादी होने के बाद घर से विदा हो रही और उसके पाँव में चांदी की पायल भी न हो, इस मुकुट को तोड़कर उसके पाँव के लिए चांदी की पायल बनवा दी जाए, इसके लिए उनके हवाले कर। हम महाराजगंज के सांसद श्री जना भैया देखो ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना मत, उसे कार्रवाई मत करना, उस लड़के को पकड़ना मत, कार्रवाई मत करना। पहले भी संचालन करते थे, आज भी विद्यालय के प्रबंधक हैं अरविंद राय भाई। तले होने दो ना, जी सिंह जी विधानसभा प्रभारी भी आते नहीं थे ना, कुछ और श्री रविंद्र वर्मा अध्यक्ष, प्रयाग चौहान जिला महामंत्री। मैं बधाई देना चाहता हूँ सत्येंद्र राजभर जी को, बहुत मेरे बहनों भाइयों, सत्येंद्र राजभर ने बहुत ही सूझबूझ का काम किया है, बहुत सूझबूझ का काम और यह विश्वसनीयता का संकट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये निरंतर गहरी होनी चाहिए। और भारत की राजनीति में नेताओं ने जो विश्वास का संकट पैदा किया है उसको यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में, क्योंकि राजनीति हम लोग करते हैं केवल सरकार बनाने के लिए, राजनीति नहीं करते, सरकार बनाना भी एक उद्देश्य होता है, लेकिन हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए कठोर फैसले लेने में भी हम रंग मात्र संकोच नहीं करते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पहले जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोग काम कर रहे थे 1951 में, उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, भाई जम्मू कश्मीर जैसे लगता है कि भारत देश से अलग है, मुझे धारा 370 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी आप जाकर बलिया उत्तर प्रदेश बिहार कहीं भी दूसरे राज्य के लोग वहां जाकर मकान नहीं बनवा सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं। यह आजादी हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी समय कहा था, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। और जब चुनाव लड़े 51 में हम लोग, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया, सरकार जब हमारी बनेगी, संसद में जब हमको बहुमत हासिल हो जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और मेरे भाइयों, आपने देखा संसद में बहुमत मिला, हमने धारा 370 समाप्त कर दिया, जो वादा किया था 51 में, लगभग 71 साल है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आकर अपना योगदान करने का फैसला किया। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, धन्य जी बैठ जाइए, अब आपको जिता देंगे लोग, कोई जरूरत नहीं। एक बार केवल 2007 में जब मैं आया था यहाँ पर, और उसमें संजय यादव को मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय मैंने ही इनको प्रत्याशी बनाया था। उस समय तो आप लोग चुप गए थे, पता नहीं कहां से आ गए, कैसे हैं, क्या हैं, बबुआ टाइप हैं, ये भी लोगों ने पूछा।
अब तो समझ में आ गया लो ये बबुआ टाइप के नहीं है। अब आगे कितना काम कई देखो संजय यादव हमको लोग बतावा तुम्हारा सकलदीप राजभर जी 300 करोड़ रुपया का सड़क हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कौनों विधायक ने बनवाए कौनों विधायक ने बनवाए और मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे बहनों भाइयों में कहना चाहता हूं आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगाए लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं।